वाई टाइप ऑफ नो स्किल सेंसी, ये सेंसी क्या है, कैसे आप इसको अपने मोबाइल पे इस्तेमाल कर सकते हो और ये इस्तेमाल करने से आपका क्या आईडी वगैरह बैंड होगा या फिर नहीं, ये पूरी की पूरी चीज़ें मैं इस वीडियो में रिवील कर दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरा एंड तक, और अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब वाले में बटन में क्लिक करके बाजू वाले जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले बता देता हूँ इसको यूज़ करने से आपके आईडी बैंड होगा या फिर नहीं, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सेंसी का मतलब सेंसिटिविटी या फिर कुछ सेटिंग्स है जो आपके मोबाइल पे मौजूद है। इन गेम कुछ सेंसिटिविटी या फिर सेटिंग चेंज करने से आपके आईडी तो बैन नहीं होगी ना। सो वाइट एफ एफ नो स्किल सेंसी क्या है, ये खाली वाइट एफ एफ अपने सेटिंग्स या फिर सेंसिटिविटी को रिवील कर रहा है आप लोगों के सामने। So, अपने मोबाइल के सेटिंग्स के लिए क्यों हम लोग पैसे दे, इसका एक सिंपल सा आंसर है। आप अगर खुद के मोबाइल के लिए एक परफेक्ट सेंसिटिविटी या फिर सेटिंग चाहते हो जो हेडशॉट के लिए आपके बहुत ही ज्यादा काम आए, उनके पास एकदम पहले से वो अवेलेबल होता है। आप अगर उन लोगों को उसके लिए पैसे दोगे तो आपके मोबाइल के हिसाब से वो एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी एंड सेटिंग्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपका हेडशॉट और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर फ्री में लेना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देख लो, इस वीडियो में मैं पूरा सेटिंग रिवील कर दूंगा। लेकिन आप अगर खरीदना ही चाहते हो, उन लोगों से बातें करके खरीदना चाहते हो, तो मैं उसका जो इंस्टाग्राम का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे जाके बातें कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने भी उससे बात किया था। तो सबसे पहले आपका अपना डिवाइस का नाम बताना है, और डिवाइस का नाम बताते हैं वो आपके मोबाइल के हिसाब से अवेलेबल है या फिर नहीं वो बता देगा, और आपको पूरा फाइल वो प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हो तो ये वीडियो देखते रहो। तो चलिए अभी सेटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपके फोन की सेटिंग खोल लेना और एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी में जाना है, और उसके बाद जाना है स्विच एक्सेस पे। स्विच एक्सेस पे जाने के बाद आपको सेटिंग्स में क्लिक करना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो तो ऑटो स्कैन का एक ऑप्शन है। इसको क्या करना है, जो जो भी मैं कर रहा हो, जो जो भी मैं लिख रहा हो, उसको आपको एकदम एग्जैक्टली लिख लेना है आपके मोबाइल पे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, आपको बैक करना है, और यहाँ पर नीचे होगा पॉइंट स्कैन करके, उसको भी जो जो भी मैंने बताया अभी स्क्रीन पे वो अभी आपको स्क्रीन के हिसाब से कर लेना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बैक कर लेना है। बैक करके यहाँ पर स्कैनिंग हाईलाइट स्टाइल में जाना है, और हाईलाइट स्टाइल को आपको थिक सॉलिड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जाना है इग्नोर रिपीटेड प्रेसिस में, आपको इसको 0.01 कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पर टच एंड होल्ड डिले इसका, इसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाना है, नीचे ऑटो क्लिक करके एक होगा, उसको क्या करना है 0.2 सेकंड पे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लार्ज माउस कर्सर को इसको ऑन कर लेना है, और उसके बाद आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पर टॉक बैक में जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग है, स्पीच रेट को आपको हाफ कर देना है, पिच को भी हाफ कर देना है। और उसके बाद करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद वर्बोसिटी होगा, इस पे जाना है, चूज प्रीसेट होगा, इसको कस्टम में होगा, इसको हाई पे सेट कर देना है, और यहाँ पर कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको बैक कर लेना है। और उसके बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज जेस्चर पे जाना है, यहाँ पर आप जितने भी सारे ऑप्शन है उसको छोड़कर फोकस ऑन फर्स्ट आइटम ऑन द स्क्रीन जितने भी सारे इसको सिलेक्ट कर देना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, आप देख लो। सबको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाना है, और डेवलपर सेटिंग में जाना है। डेवलपर सेटिंग में जाने के बाद फिल्टर एक्सेसिबिलिटी में जाना है, और इसको ऑफ होगा, सबको इनेबल आपको कर देना है, ठीक है। और उसके बाद बैक कर लेना है। बैक करके जाना है आपको डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर जाना है, लार्ज बफर साइज को आपको 256 कर देना है, और सिलेक्ट लॉक लेवल को 1 पे सेट कर देना है। और उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है, यहाँ पर होगा विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल को आपको 0.5x को कर देना है, और DPI आप जितना रख सकते हो तो रख सकते हो, मेरा 392 रहता है, मैं यहाँ पर 600 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग में जाके, कीबोर्ड में जाके आपको पॉइंटर स्पीड को फुल कर देना है। बस सब कुछ एग्जैक्ट करने के बाद आपको बस अपने मोबाइल को रीस्टार्ट एक बार कर लेना है। और भी सारे ऐप्स है जो मैं अगली वीडियो में कवर अप कर दूंगा, ये वीडियो में डालूंगा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, आपको अगली वीडियो में वो ऐप्स के बारे में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।